पंजाब के भविष्य के लिए सबसे जरूरी चीज शांति, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। शांति, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। और जिस दिन पंजाब से शांति चली गई, उस दिन सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होने जा रहा है। हम बात को समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, हम गहराई से समझते हैं। पंजाब नहीं बंटना चाहिए, कांग्रेस पार्टी पंजाब की शांति की रक्षा करती है। हम जान दे देंगे मगर यहां शक्ति को नहीं जाने देंगे, शांति को नहीं खत्म होने देंगे। ये भाइयों और बहनों, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना है केमिस्ट्री लैब में जाके कीजिए, फिजिक्स लैब में जाके कीजिए, पंजाब के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया यहां आग लग सकती है। एक बार फिर यहां जो आज शांति है, जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, मिलकर आपके साथ खड़े होकर, वो टूट सकती है, गायब हो सकती है। और अगर वो हो गया, फिर यहां पे पंजाब के युवाओं का, पंजाब के लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। याद रखना राहुल गांधी जो कह रहा है, याद रखना, भूलना मत। अगर यहां एक्सपेरिमेंट कर दिया, पंजाब का नुकसान होगा। नोटबंदी के समय मैंने कहा नुकसान हुआ, ड्रग्स के बाद मैंने उठाई, कोरोना के बारे में मैंने कहा, और फिर मैं आज कह रहा हूं आपको, पंजाब के हर युवा से कह रहा हूं, पंजाब के सब लोगों से कह रहा हूं, यह एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। यह सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, यहां पे आग लग जाएगी। और एक और बात याद रखिए, कांग्रेस पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। यह सच्चाई है।